सर गुड मॉर्निंग सोना है कि जगना है सोना है बेटा अगर चेन से सोना है तो जाग जाओ बेटा ओके सर आइए बच्चों सरकार बात शुरू करते हैं हम रिगार्डिंग सर आई एस टी हम बात करते हैं बेटा

क्लियर चलिए सरकार बात शुरू करते हैं हम कि आखिर होगा क्या तो उसके लिए मैं एक शानदार आपके सामने ट्रांजेक्शन रखता हूं प्रैक्टिकली हम इमेजिन करते हैं विजुलाइज़ करते हैं उसके बाद आगे बात शुरू करेंगे तो मजा आपको आएगा बच्चों आओ बेटा भाई मान लो गुड मैं कहा बेटा महाराष्ट्र क्लियर मेरे कस्टमर कहा बेटा महाराष्ट्र सपोज महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने महाराष्ट्र के मिस्टर एच को गुड्स बेची बेटा ओके सर सपोज वैल्यू था टेन लैक्स अच्छा इंट्रा है क्या इंटरास्टेड है कि इंटरेस्टेड है चलो वापस लिखता हूँ इधर में इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट ओके बच्चों ठीक अच्छा आपको कोई भी डाउट आप प्लीज मेरे से पूछेगा ठीक है ये क्लास केवल मजाक मस्ती वगैरह के लिए नहीं है बेटा आपको पता है खेल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है अपना पढ़ना ठीक है मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पढ़ाना मैं अगर ऑल द वे फ्रॉम उदयपुर यहाँ आया हूँ तो मेरा टारगेट क्या आपको पढ़ाना बेटा ये शोबाजी करानी है कि मेरे को कितना आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा ठीक है आपको आना चाहिए तो मजा आया सर ठीक है मैं रियल टीचर तभी कहलाऊंगा जब मैंने आपको पढ़ा दिया है जो मेरे को आता है वो मेरे अंदर ही अगर है और आपको डिलीवर नहीं कर पाया तो वो मैं अच्छा इंसान हो सकता हूँ पर टीचर नहीं हो पाऊंगा सर मैं ठीक है क्लियर सो आपको आना चाहिए आपको कहीं डाउट आया आप मुझे बताइएगा आई विल ट्राई कि डाउट आए ही नहीं पर फिर भी अगर आया आप मेरे से बात करिए कम्युनिकेट करिएगा ठीक है क्लियर ऑनलाइन में भी डाउट आएंगे सारे मैं सोल्व कर दूंगा बच्चा पर ध्यान आपका पूरा इधर होना चाहिए बच्चा बस

श्योर हंड्रेड परसेंट को डाउट पास करा रहा बेटा लिखा था सर नाइनटी थाउजेंड सी जी एस टी नाइन थाउजेंड एस जी एस टी टोटल हो गया कितना 11, 000, 80, 000, ये मैंने गुड्स महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने महाराष्ट्र के मिस्टर एच को गुड्स बेच दिया इलेवन लैक एटी थाउजेंड में उससे टैक्स लिया और नाइनटी थाउजेंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया नाइनटी थाउजेंड कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, को डाउट नहीं चलो ये लिख यह गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया ये किसको पे किया ठीक है सर चलो अब महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने इन गुड्स को कहा बेचा बेटा ये कैसे किया बताना ये ऐसे ऐसा लगता है कोई किसी को किस कर रहा है बेटा सर सुनाओ इधर ध्यान दो ठीक है मोबाइल की रिंग बस गई किसी की बज गई इसमें क्या है मोबाइल की रिंग ही ना और तो कुछ नहीं बेटा सर महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने इन गुड्स को आगे सेल कर दिया किसको बेटा महाराष्ट्र के मिस्टर बोलो ए को बेटा ए फॉर अमेंडमेंट ठीक है ना जीएसटी एस पटो बेटा आप लोग अमेंडमेंट आते रहेंगे बेटा सर ओके महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने इन गुड्स को महाराष्ट्र के मिस्टर ए को बेच दिया कितने में बेचा बेटा सपोज 15 लैक्स ,00 में क्या लगेगा अगेन सी जी एस टी एंड एस जी एस टी कितना बेटा 99 परसेंट एज कितना होता मालिक वन लेख थर्टी फाइव थाउजेंड वन लेख थर्टी फाइव थाउजेंड राइटिंग समझ मारी बेटा आपको गुड टोटल 17 लैख ,00 सेवेंटी थाउजेंड ये बिल बनाया मिस्टर एच ने मिस्टर ए को ठीक है अब सुनना जब गुड्सा वन लेख थर्टी फाइव थाउजेंड इज दी जी एस टी वन लाइक थर्टी फाइव थाउजेंड इज द एस जी एस टी अब सर वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड जो सी जी एस टी का अमाउंट है ये कौन पे करेगा गवर्नमेंट को कौन पे करेगा एच पे करेगा ना भाई एच पे करेगा गवर्नमेंट को कैसे पे करेगा बेटा जल्दी बोलो नाइन्टी थाउजेंड का कौन सा क्रेडिट सी जी एस टी आई टी सी यूज किया बैलेंस फोर्टी फाइव थाउजेंड पे किया गुड आउट आपको ये वन थर्टी फाइव थाउजेंड कैसे पे किया होगा बेटा 90,000 थाउजेंड का कौन सा क्रेडिट यूज किया होगा एस जीएसटी आई टी सी यूज और बैलेंस हा ना भाई तो सर जब ये महाराष्ट्र के एच ने परचेज किया होगा इन गुड्स को इस बिल के थ्रू तब क्या क्या होगा टेन लेख तो का तो परचेज कॉस्ट नी होगी उसने बेटा नाइनटी थाउजेंड का सी जी एस टी आई टी सी नाइनटी थाउजेंड का एच जी एस टी आई टी सी या अगर आपको बहुत अच्छी अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोल दू तो उसने एंट्री क्या पास करी हुई अकाउंट डेबिट टेन लैख हाँ ना, मैं बात मिस्टर ए एच की कितना 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 बेटा 10 C, GST, IT से कितना बेटा 90, A, GST, IT से कितना बेटा मिस्टर को पे किया होगा कितना इलेवन लैक एटी थाउजेंड समझा मेरी बात पक्का ठीक सर ओके अब जब सेल चलो ए, बात निकली तो बात कर ही लेते पूरी बेटा जब सेल किया होगा मिस्टर ए को एच ने तब 1770 आया है बेटा तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 17 लाख 70,000 थाउजेंड टू सेल्स कितना <coughs> 15 लाख टू सेल्स कितना बेटा 15 लाख टू सी जी एस टी कितना 135 थर्टी फाइव टू एस जीएसटी लाइब्रिटी कितना अब लाइब्रिलिटी आ गई भाई करना है कैसे पे करेंगे सी जी एस टी अकाउंट डेबिट कितना वन थर्टी फाइव थाउजेंड टू सी आईटीसी आई टी सी कितना नाइनटी थाउजेंड टू बैंक कितना फोर्टी फाइव थाउजेंड है ना भाई एसजीएसटी लाइब्रेटी कैसे पे करेगी बताओ ना मुझे एसजीएसटी लाइब्रिटी अकाउंट डेबिट कितना वन थर्टी फाइव थाउजेंड टू एस जी एस टी आई टी से अकाउंट कितना बेटा नाइनटी थाउजेंड टू बैंक कितना बेटा फोर्टी फाइव थाउजेंड ना मलिक पक्का बच्चों अभी पूरा क्लियर है पिक्चर हंड्रेड परसेंट कोई डाउट किसी को बेटा पक्का ना प्लीज सर है ना पूछ सकते हो एक बार नहीं दस बार पूछ सकते हो मेरा काम है बताना बेटा ओके पक्का हंड्रेड परसेंट ठीक है सर चले सर ओके आइए मिस्टर एने गुड्स परचेज किया मिस्टर एच से महाराष्ट्र से बेटा हाँ है ना भाई क्लियर अब मिस्टर ए भी कोई कम नहीं बेटा मिस्टर ए ने इन गुड्स को आगे बेच दिया किसको गुजरात की जी को बेटा डंडे खेले बेटा क्लियर अरे तुमने नहीं खेले इसलिए या बेटे हो बेटा इसने खेले बेटा किसने मिस्टर ए ने किसके साथ खेले बेटा गुजरात की जी के साथ खेले बेटा क्लियर केम छो केम छो केम छो करते हुए मजा मचो बेटा और सर सुन बात ध्यान से महाराष्ट्र के मिस्टर ए ने गुजरात की जी को गुड्स बेच दिया कितने में 20 में सर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते रुको कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों जा रहा है आ रहा है या जा रहा है आके रुक रहा है या बस चल रहा है जीवन काट रहे वक्त तो ऐसा आके रुक रहा है ना बेटा हाँ होल्ड करने का बेटा है ना सर कितने में बेचा है बेटा कहां से बेचा है महाराष्ट्र से कहां बेचा गुजरात इंट्रा की इंटर इंटर क्लियर इंटरसेट सप्लाई होने में क्या लगता है बेटा आईजीएसटी गुड कितना एटीन कितना होता है बेटा टोटल कुल मिला के ए ने जी के साथ डंडे खेल के तेईस लाख साठ हजार का बिल लिख दिया बेटा हाँ है ना डंडे बेच दी बेटा उसको सर परमानेंट ट्रांसफर बेटा सर तेईस लाख साठ हजार हाँ ना तुमको भी मजा आ रहा है बेटा तुमको भी मजा आ रहा है बेटा ऐसे क्या जिसको तो समझना में समझता है पर मजा सबको आता है बेटा है ना गुड बेटा है ना चल अब इस लाख साठ हजार सुना बात ध्यान से अब ये क्या आईजीएसटी सुना अब मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने जब गुड्स बेचा होगा मिस जी को सर ट्वेंटी थ्री लेख जो लिया है उसमें से 360 इज द आईजीएसटी का लाइबिलिटी बेटा अब तेईस लाख साठ हजार रुपए ट्वेंटी थ्री लाख फ्रॉम जी अब वो ले तो लिया है, अब तीन किसको पे करना है? सर आई जी एस टी पे गवर्नमेंट को पे करिएगाटेन किया हुआ है मैंने नहीं बोला सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका अकाउंट मेंटेन किया हुआ है कितने का बेटा आई जी अकाउंट बेटा ठीक है अब थ्री सिक्सटी किसमें जाएगा बेटा आई में ठीक है दिल थाम के सुनेगा बेटा मेरी बात अब आई जीएसटी कौन पे करेगा ए कौन पे करेगा सर पर उसने परचेस पे ऑलरेडी वन थर्टी फाइव थाउजेंड सी जी एस टी पे किया हुआ वन थर्टी फाइव थाउजेंड एस जीएसटी पे किया हुआ है क्या सी का और एस का क्रेडिट आई के लिए अच्छा मैं जितना पूछू तो मैं बताना बेटा है ना आगे नहीं जाना ना मेरे साथ आगे रहना ना पीछे रहना साथ में रहना बेटा सर सी जी एस टी एस जी एस टी पे हुआ है किसकी आई जी एस का आप मुझे बताओ सी और एस का क्रेडिट आई के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए दिल क्या कहता है आपका बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए यार वरना बेचारे को नुकसान हो जाएगा बेटा यार वरना इंटर सेल में तो नुकसान ही नुकसान हो गया बच्चा वन नेशन वन टैक्स हो ही नहीं पता यार फिर तो हम सोचते हैं हमारे स्टेट से लेंगे ज्यादा अच्छा है दूसरे स्टेट से लेंगे सब गड़बड़ हो जाएगी बेटा यार इसलिए क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए यार बिल्कुल मिल जाएगा कोई तकलीफ वाली बात नहीं और बोल दिया क्या आई जी एस टी इज अवर्सल टैक्स परचेज पे सी जी एस टी पे क्या हो या एस जी एस टी पे क्या हो या आई जी एस टी भी पे क्या हो सारा क्रेडिट आप आई के लिए यूज कर सकते हो ठीक है दिल तक बात पहुंची बेटा ये वाली और लॉजिकल है ना यार आपका दिल भी मैंने कोई नई यूनिक बात नहीं कि आप भी के तो ना होना चाहिए यार वो इलीगल के अंदर और क्या है क्लियर तो सर मिस्टर ए ने क्या किया होगा बेटा मतलब क्या किया होगा वो नहीं बोल रहा बेटा मतलब इस टैक्स में क्या हो गया होगा बात कर रहा हूँ सर थ्री सिक्सटी आई जी कलेक्ट किया होगा बेटा अब इसको पे करने के लिए क्या क्या करेगा ये सी जी यूज ये वन थर्टी फाइव का रिमेनिंग हा है ना भाई क्लियर यहां तक बात समझे क्या गुड्स कहां पहुंच गया बेटा गुड्स कहां पहुंच गया एक मिनट हाँ मजा अच्छा सर एक मिनट एक मिनट भाई साहब पता है आपको एक बात और करनी मेरे को आपसे बात कर लेता चल इनिशियली जब एम ने एच को गुड्स बेचा था तब 90,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया 90,000 थाउजेंड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे किया बेटा अच्छा ये मान लो अकाउंट किसका सेंट्रल गवर्नमेंट का ये किसका है स्टेट गवर्नमेंट का और ये आई जी एस टी गवर्नमेंट बेटा ठीक है सर जब एच ने ए को गुड्स बेचा उसपे वन थर्टी फाइव थाउजेंड वन थर्टी फाइव थाउजेंड सी और एस था बेटा तो फोर्टी फाइव थाउजेंड सी जी एस टी और पे किया होगा बेटा फोर्टी फाइव थाउजेंड एस जी एस टी और पे किया होगा बेटा हाँ है ना 90,000 थाउजेंड थाउजेंड ऑलरेडी था यहां पे बेटा फोर्टी फाइव थाउजेंड मिस्टर एच ने और पे किया सी जी एस टी और एस जी एस टी फोर्टी फाइव थाउजेंड और पे किया बेटा हाँ ना भाई तो सी के अकाउंट में कितना पैसा हो गया 135,000. थर्टी फाइव थाउजेंड एस के अकाउंट में कौन सा है महाराष्ट्र है एस जी एस ये नो एक मिनट यहां तक पहुंचे गया बेटा आप लोग नाइनटी थाउजेंड पहले मिल गया था फोर्टी फाइव और मिल गया कितना हो गया वन थर्टी फाइव अब क्या हुआ बेटा तीन लाख साठ हजार लाइव किसकी बेटा किसकी अब तीन साठ किसको पे करना है आई अकाउंट को पे करना है पे किया कितना किया कितना इसको आया कितना आना कितना चाहिए तो बाकी क्या है पता है क्या होगा क्लियर हमको मतलब हमको मतलब मिस्टर ए को तीन लाख साठ हजार पे करना था किसको? आई जीएसटी वाले को तो क्या बोला इसको बताए थर्टी फाइव तू सी से लेना वन थर्टी फाइव तू एस से लेना नाइनटी ए ना यार क्रेडिट यूज करने का मतलब यही हुआ ना यार कि मैंने ऑलरेडी दे रखा तू ले लेना मीनिंग यही हुआ ना यार तो क्या होगा बताओ मुझे आप पता है गवर्नमेंट आपस में अकाउंट सेटलमेंट करेगी अभी और गवर्नमेंट क्या करेगी तीन लाख साठ हजार जो आई का अमाउंट था तीन लाख साठ आई जी एस टी काउंट था उसके लिए हमने हमने पे किया और सर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सी अकाउंट से वन और फाइव थाउजेंड बेटा और अकाउंट में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, को बोलेंगे शिंदे जी आइए पैसा दो भैया क्लियर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से 135000 थर्टी निकलेगा और कहा जाएगा बताओ सीजीएसटी में कितना फंड पड़ा है अब सीजीएसटी में कितना फंड पड़ा है अब जीरो ना अभी भी 135 थर्टी बचा है सा जीरो हो गया ना महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना फंड पड़ा है क्लियर यहाँ कितना है? थ्री लैक सिक्सटी थाउजेंड वन थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव यहाँ से आया नाइनटी हमने पे किया अल्टीमेटली थ्री सिक्सटी मिल गया हाँ है ना भाई अरे क्लियर अकाउंट सेटलमेंट समझ लो बेटा आप लोग और ये एक्चुअली होता है बातें नहीं कर रहा आपसे बेटा एक्ट में लिखा हुआ ये बातें सब क्लियर तो फंड कहाँ पहुंच गए बेटा जल्दी बोलो सी में कितना है एस में कितना है गुड्स का है गुड्स का है गुजरात की जीवी कोई कम नहीं बेटा डांडे इसने एक, एक साथ भी खेले और <laughs> <laughs> गुजरात की जी ने इन गुड्स को राजस्थान के आर को बेच दिया बेटा पढ़ने का तरीका होना चाहिए मजा आ रहा ना पढ़ने में बेटा अच्छा मैं एक एक पॉइंट काम का पढ़ा रहा हूं बेटा कोई फालतू बात नहीं कर रहा आपसे पर मजा आ रहा ना पढ़ने में बस मस्त हो गया पढ़ो आप खुश हो पढ़ना इज मोर इंपॉर्टेंट है? पढ़ना तो ही है रोके पढ़ो मरके पढ़ो या खुश होके पढ़ो सर खुश होके पढ़ने के आपने को ओके चलिए सर इसलिए आप बी विथ मी बाकी मजे में करा कराना जवाब टेंशन मत ले तू सर गुजरात की जी ने आप जो भी कमेंट वमेंट करो ना बेटा थोड़ा थोड़ा तेज करा बेटा आप ताकि आवाज मेरे आ पाए बेटा फिर तुम देखो और मेरा जो काउंटर ना मजा नहीं आ जाएगा इंडिया आपकी सर सुनना ध्यान सर इधर इधर मजा मज़ेस से पढ़ो ना यार सुना गुजरात की जी ने क्या किया बेटा डांडिया खेला है बेटा किसके साथ राजस्थान की आर के साथ और गुड्स बेच दिए कितने क्या नहीं जरूरी नहीं हर बिजनेस धोखा हो बेटा कभी प्यार से भी बिजनेस होता है बेटा सर कितने 30 में बेचा बेटा थर्टी लैक्स में गुड्स बेच दिया सर्विसेज की बात नहीं कर रहा सर अब ऐसे केस में सर गुजरात की जी ने राजस्थान के आर को गुड्स बेच दिया थर्टी लैक्स में अच्छा ये इंट्रा है कि इंटर है इंटर पे क्या लगता है कितना फोर लैख नहीं सॉरी फाइव लैख थाउजेंड कितना हो गया बेटा तो गुजरात की जी ने इनवो लिखा किसको राजस्थान के आर को कितने का थर्टी फाइव लेख फोर्टी थाउजेंड इसमें से फाइव लेखी बेटा आई जी एस टी सर आर ने थर्टी फाइव लेख फोर्टी थाउजेंड दिया किसको जी को अब जी क्या करेगी बेटा वो मत सोचो क्या करेगी टैक्स का क्या करना है क्या बेटा क्लियर फाइव फोर्टी का क्या होगा बेटा आई जी एस टी पे करना पड़ेगा बेटा पर आई जी एस टी पे करते हुआ बेटा क्या करेगी बेटा ये आई जी एस टी आई टी सी यूज कितना थ्री सिक्सटी का बैलेंस कितना बच गया बेटा वन लैख एंड पे कर दिया किसको पे किया तो आई जी एस टी अकाउंट याद आया बेटा आपको क्लियर है 360 ऑलरेडी इसमें आ गया था बेटा 135 यहाँ से आया था 135 यहाँ से आया था 90 हमने पे किया था इधर आया बच्चा आपको 180 और पे कर दिया कितना आ गया फाइल एक 40000 कहाँ पड़ा है कहाँ पड़ा है आई जीएसटी अकाउंट में बेटा हाँ है ना भाई राजस्थान के आर ने क्या-क्या पता इन गुड्स को राजस्थान के जे को बेच दिया बेटा क्लियर कितने में बेचा बेटा <coughs> फोर्टीलैक्स में ये ले बस तू खुश है फोर्टीलैक्स में कहा से कहा बेचा बेटा इंट्रा की इंटर इंट्रा इंट्रा, इंट्रा स्टेट भी क्या लगता है सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जी एस टी राजस्थान एस बेटा है ना कितना ये आर एस जी मतलब एस टी मतलब राजस्थान एस जी एस टी बेटा ठीक है कितना नाइन परसेंट कितना होता है जल्दी बताना मुझे 360 360 टोटल 47 20 हाय ना मलिक सर अब क्या होगा राजस्थान के जे ने गुड्स खरीद ली अच्छा राजस्थान के आर ने जब गुड्स बेची 4720 ले लिया अब इसमें से सर 360 पे करना किसको बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को 360 सिक्सटी पे करना है इसको राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को सर इसने परचेज पे ऑलरेडी क्या पे किया हुआ बच्चे आई कितना 540 क्या आईजीएसटी जो पे किया आपका दिल क्या कहता है दिल से पूछ रहा हूं दिमाग से नहीं बेटा आपका दिल क्या कहता है ये आईजीएसटी जो पे किया इसका क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बेटा दिल क्या कहता है आपका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर नहीं मिलेगा और इसी कॉस्ट मेड हो जाएगा तो हम कभी इंटरेस्टेड परचेज ही नहीं करेंगे बेटा यार वन नेशन वन टैक्स तो हो ही नहीं पाएगा हम दूसरे स्टेट से कभी लाएंगे नहीं माल बेटा हाँ ना भाई। दिल क्या कहता आपका क्रेडिट मिलना, मिलना चाहिए सर बिल्कुल मिलेगा सी तो मिलता है, मिलता है, और एस के लिए भी मिलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप चाहो तो पहले एस जी के लिए यूज कर लो आप चाहो तो पहले सी के लिए यूज कर लो आप चाहो तो आधा यूज कर लो कैसे यूज करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है हमने क्या किया बेटा देखना ध्यान से <coughs> <coughs> हमने 360 जो सी जी पे करना था क्या किया हमने बेटा हमारे पास आईटीसी कितना था बेटा अरे आई कितना था भाई <coughs> 540 का आई जी एस टी आई बेटा हाँ है ना मालिक क्लियर क्या किया हमने पूरा का पूरा 540 में से 360 सिक्सटी आई जी एस टी आई यूज कर लिया और नील पेमेंट किया बेटा यस या नो क्लियर यहां पे किया क्या हमने बेटा 360 सिक्सटी एस एक्सिस्ट एसडीसटी एस पे करना था राजस्थान बेटा क्लियर अब हमारे पास आई कितना बचा बेटा भाई 540 में से 360 सिक्सटी ऑलरेडी यूज कर लिया बचा कितना वन एटी हमने क्या किया बेटा आई जी एस टी का आई टी सी यूज कर लिया यस ये नो और बैलेंस वन एटी हमने पे कर दिया यस ये नो पक्का अब कैसे पे हुआ होगा समझना ध्यान से ये हमने पे कर दिया सिस्टम समझना बात को ध्यान से जब राजस्थान के आर ने राजस्थान के आर ने जब गुड्स बेटा जे को राजस्थान के जे को तो उसको सेल पर लाइव लायबिलिटी सीजीएसटी की कि, कितनी लाइव डे बेटा 360 की तो 360 पे करने के लिए क्या किया इसने बेटा कौन सा क्रेडिट यूज किया बेटा आईजीएसटी कितना यूज किया 360 का तो क्या होगा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का सी जी एस टी अकाउंट से निकाला और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएसटी अकाउंट को कितना पैसा मिल गया बेटा थ्री सिक्सटी उतना मिलना चाहिए मिल गया आ गया बेटा खत्म अब आई जी एस टी अकाउंट में कितना पैसा बच गया वन एटी बच गया बेटा अब हमने क्या किया राजस्थान एस जी एस टी पे करना था कितना 360 अब 360 राजस्थान एस टी पे करने के लिए हमने क्या किया 180 का का आईजीएसटी यूज किया क्लियर रिमेनिंग 180 हमने पे किया अच्छा हमने जो पे किया वो तो डायरेक्ट एस जी राजस्थान के अकाउंट में चला गया बेटा 180 एटी पहुंच गया बाकी 180 एटी कहां से आएगा आई जी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ओ सेंट्रल गवर्नमेंट आपके आई अकाउंट से फंड निकालिए और हमारे फंड में ट्रांसफर करिए क्योंकि आर ने बोला है कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट में इतना फंड ट्रांसफर किया जो आप यूज कर लेना इधर के लिए हाँ है ना भाई क्लियर तो सर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल के राजस्थान एस में 180 ट्रांसफर करा दिया तो सर अब मुझे बताओ आईजीएसटी अकाउंट में फंड कितना बच गया बेटा आवाज सबकी नहीं आ रही सर जीरो नो सीजीएसटी yes no? में कितना फंड बचा है सी जी एस टी में थ्री सिक्सटी जो आई से आया था बेटा क्लियर राजस्थान एस में कितना बेचा 360 कैसे आया 180 180 तो हमने पे किया इधर आया बेटा हाँ है ना भाई अल्टीमेटली आप देख लीजिए बच्चों अल्टीमेटली ये सिक्सटी सी जी एस टी थ्री जी एस टी थ्री सिक्सटी राजस्थान ए जी एस टी को मिलना चाहिए जो मिल गया है बेटा यस एनो अरे यस एनो पक्का तो अभी अल्टीमेटली फंड कहां पड़ा है राजस्थान एसीएसटी थ्री सिक्सटी सी जी एस टी थ्री सिक्सटी क्लियर टोटल टैक्स था कितना बेटा ट्वेंटी था बेटा अरे टोटल टैक्स था कितना बेटा क्लियर दी दी वैल्यू ऑफ गुड्स टैक्स का अमाउंट सेवन ट्वेंटी परसेंट सी जी एस टी फिफ्टी परसेंट राजस्थान एसीएसटी मिल गया बेटा फंड भी पहुंच गए अच्छा आई में कितना पड़ा है बेटा जीरो क्लियर अब ये मिस्टर जेजो था ना बेटा ये ही वाज द एंड कंज्यूमर बेटा खत्म होती है तो क्या हुआ इसे मतलब अगर राजस्थान का जेब थी एंड कंज्यूमर वो आगे गुड्स बेचेगा क्या बेटा क्या वो आईटीसी लेगा क्या बेटा मतलब जहां रेवेन्यू था वहीं पे खत्म एंड कंज्यूमर कहां पर है हा है ना मुझे बताओ रेवेन्यू भी कहां बड़ा है अच्छा फिफ्टी परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था मिल गया बाकी फिफ्टी परसेंट किसको मिला राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मिला है गुड्स बना कहा था बन के कहा गया गुजरात बना कहा था बेटा महाराष्ट्र बन के कहा गया गुजरात गुजरात से कहा आया ना मिला रेवेन्यू महाराष्ट्र को ना मिला गुजरात को रेवेन्यू ले गया राजस्थान क्लियर अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी क्या था बेटा अल्टीमेटली गुड्स का कंजम्पशन कहा हुआ है जीएसटी जब डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्शन टैक्स क्लियर फिफ्टी परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया साहब रिमेनिंग 50 किसको मिला उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे गुड्स कंज्यूम होने वाली है देखा जाए ना बेटा तो आईजीएसटी एक्चुअली कोई रेवेन्यू है ही नहीं ये केवल सेट ऑफ के लिए जर, है सर ताकि इंटरेस्टेड मूवमेंट में काम हो जाए सर ये. प्रैक्टिकली बात तो आईजीएसटी अकाउंट में फंड बहुत रेयरली कभी बचेगा बेटा और अगर बच भी गया ना बेटा तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50 उन स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुई है, हाँ है मालिक क्लियर पर अल्टीमेटली मेंटेन्ड बाय सेंट्रल इसलिए मैंने बोला था बेटा समझे मेरी बात अगर आई जीएसटी रेवेन्यू होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट मानती ही नहीं कि नहीं हमको तो जीएसटी चाहिए नहीं सर तुम तो दादाग्री कर रहे हो सर ना है ना सर और इसका क्रेडिट भी आपस में फ्लो करा दिया अब आप मुझे बताओ सर कोई गुड्स अगर मैं राजस्थान से राजस्थान में परचेज करूंगा या गुजरात से परचेज करके लेके आऊंगा मेरे परचेस में सीओर एस लगेगा या आई जी एस टी लगेगा कोई फर्क पड़ता है क्या क्यों फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली सर जीएसटी सी और एस लगे या आई लगे मेरे लिए तो टैक्स बराबर ही लगने वाला है बेटा अच्छा मैं अगर दुकानदार भी होता तो मैंने अगर आई जीएसटी पे किया होता, तो होता तो भी क्रेडिट मिलता मेरे को सी और एस पे किया होता तो भी क्रेडिट मिलता क्लियर पहले बताए क्या होता था मैं अगर राजस्थान में हूं मैंने गुड्स प्रदेश से या गुजरात से परचेस किया है तो बिफोर जीएसटी लगता था सी क्या लगता था बेटा सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या बोलते थे इसको और पता है दूसरे स्टेट से परचेज करके लेके अगर मैं आया हूं सीएसटी कर पे क्या तो एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता था पहले सीएसटी में बेटा तो पहले क्या होता था बेटा मैं अगर खुद के स्टेट से परचेज करूंगा तो वेट पे किया होगा मैंने बेटा तो वेट का क्रेडिट तो मिलता था मेरे को बेटा और भले दुकानदार है सप्लायर है एंड कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा दुकानदार को भी CHT का क्रेडिट नहीं मिलता था? यही अगर मैं खुद की स्टेट से परचेस करता क्या होता मुझे बताओ आप वेट लगता वेट का मुझे पूरा क्रेडिट मिलता यही दूसरे स्टेट से लाया तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई बट आफ्टर जीएसटी क्या होगा किसी भी स्टेट से परचेज करो खुद के स्टेट से या किसी भी स्टेट से टैक्स की वजह से कौस्ट पर, कौस्ट नहीं चेंज होगी बेटा है।, हाँ है ना तो पूरा देश मेरे लिए वन मार्केट हो गया बेटा वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट आपको वन नेशन वन टैक्स तो समझ में आता होगा बेटा आज वन मार्केट भी समझ में आ गया बेटा क्योंकि पहले इंटरस्टेट परचेस भी क्या लगता था बेटा सीएसटी जिसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता था अब इंटरस्टेट परचेस भी क्या लगेगा आईजीएसटी जिसका मुझे क्रेडिट मिलता है अब मैं इंटरस्टेट परचेस करूं या किसी भी स्टेट से इंटरस्टेट परचेस करके लेके आऊं मेरी परचेस पे जो टैक्स लग रहा है उसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं आएगा पूरा देश वन मार्केट बन चुका है पहले अलग अलग स्टेट में वेट की रेट अलग अलग हुआ करती थी अभी सर पूरे देश के अंदर एक ही रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी की भले आप महाराष्ट्र से देखो गुजरात से देखो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से देखो वही रेट ऑफ टैक्स होगी इसलिए वन नेशन, वन वन नेशन टैक्स मार्केट है ना सर क्लियर मैं अगर एंड कंज्यूमर हूं मैं खुद के स्टेट से परचेज करूंगा तो भी जीएसटी रेट उतनी है किसी भी स्टेट से परचेज करूंगा तो भी जीएसटी रेट उतनी है मेरी कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला है टैक्स की वजह से बेटा आगे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अदर कॉस्ट तो वो अलग बात होगी बेटा टैक्स की वजह से इट इज अ वन मार्केट इट इज नॉट अदर मार्केट बेटा वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट आई होप मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको ये आवाज सबकी नहीं आ रही ओए yeah. अरे पक्का क्लियर yeah. है तो सर जीएसटी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है सर पक्का अब समझने की कोशिश करना जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ सर आई क्या होता समझ में आ गया बच्चा आपको, आपको? सर पता है जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया तब तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट शायद समझ में आ रहा है बेटा अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितने एक्ट बने वो देखना बेटा एक तो बना सी जी एस टी एक्ट एक तो बना जो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है बेटा क्लियर पता है हर स्टेट का हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी एक्ट अलग पास हुआ हुआ बेटा वेस्ट बंगाल में अलग पास हुआ महाराष्ट्र में अलग पास हुआ राजस्थान में अलग पास हुआ हाँ वो बात अलग है एक्ट आर सेम जो सी जी एस टी एक्ट में लिखा वही कहा लिखा है बेटा एसजीएसटी इनफेक्ट सेक्शन नंबर रूल सब कुछ सेम हां दो तीन सेक्शन में डिफरेंस ट्रांजिशन प्रोविजन में जो अब रिलेवेंट नहीं है वन टाइम जो एक्सरसाइज थी पुराने लोगों से जब नए लोग में आ रहे थे तब वो भी काम का नहीं पॉइंट आपके लिए क्लियर अदरवाइज आप सेक्शन नंबर सब सेक्शन भी सेम क्लोज नंबर भी सेम क्लियर अब सर ये जीएसटी काउंसिल की वजह से हुआ याद है बेटा अच्छा कितने स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर ट्वेंटी पता है

टैक्सेशन पर्पज से स्टेट माना जाता है जीएसटी के बेटा वहां का अलग से एस जी एस टी अलग से बेटा तो सर तीन यूनियन टेरेटरी ऐसी पुडुचेरी प्लस जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा था हमारा है और हमारा तो थर्टी वन थर्टी वन एस जी एस टी एक्ट पास हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेटा क्लियर यूनियन टेरेटरी को गवर्न करने के लिए यूनियन टेरेटरी में सर जैसे है एस जी एस टी ना हर स्टेट का बेटा ऐसे यूनियन टेरेटरी का एक यूटी जीएसटी बेटा तो अगर आपने यूनियन टेरेटरी के अंदर गुड्स बेचा ना बेटा जैसे मैं भी यूनियन टेरेटरी में हूँ आप भी यूनियन टेरेट्री में बेटा जैसे दादारा नागर हवेली बेटा तो सी जी एस टी और यूटी जीएसटी लगता है क्या लगता है बेटा सी जी एस टी एंड एस जीएसटी की जगह पर क्या लगता है बेटा यूटी जीएसटी ओके बच्चो ठीक इंटर स्टेट पर तो हमेशा आई जी एस टी लगता है बेटा हमेशा ओके बच्चो ठीक तो एक यूटी जीएसटी बना हुआ है जो सारे यूनियन टेरेटरी को गवर्न करता है एक अभी हमने बात करी बेटा आई जी एस टी तो आईजीएसटी चार्ज करने के लिए अलग से एक, एक एक्ट बनाया उसका नाम क्या बेटा आईजीएसटी जो पूरे देश के अंदर एक ही बेटा हाँ है ना भाई अरे क्लियर पक्का बच्चो ओके तो सर कितने होंगे बेटा ये थर्टी फोर अब सुनो ध्यान से बेटा पता है देश कौन सा बेटा अपना भारत हिंदुस्तान आदमी पहले अपना सोचता है बाद में समाज का सोचता है ना सर तो जैसे ही जीएसटी आ रहा था ना बेटा बहुत सारे स्टेट की दुनिया बदल गई बेटा पहले जीएसटी पहले जो सेल्स टैक्स टैक्स था 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 वेट वो ओरिजिन बेस्ड बेटा आपने देखा होगा सीएसटी अगर लग रहा है क्या लग रहा है बेटा जैसे गुजरात से मैं परचेज करके राजस्थान में लेके आ रहा हूं तो गुजरात वाला सेल चार्ज करके सीएसटी बेटा और सीएसटी का क्रेडिट राजस्थान वाले को नहीं मिलेगा बेटा मतलब वो रेवेन्यू जो थी वो गुजरात में रह जाएगी बेटा तो पहले ओरिजिन बेस्ड टैक्स था दूसरे स्टेट को अगर आप बेचोगे तो रेवेन्यू दूसरे स्टेट में नहीं जा रही हमारे स्टेट में रह रही है बेटा फर्स्ट जुलाई 2017 को जिंदगी बदल गई जज्बात बदल गए हालात बदल गए और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया पहले जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे जहां पे फैक्ट्रीज ज्यादा हुआ करती थी उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था क्योंकि उनकी रेवेन्यू उनके स्टेट में जो गुड्स बनी है वो बन के जो दूसरे स्टेट में जाती थी बेटा तो सीएसटी लगता था बेटा और सीएसटी का क्रेडिट बायर को नहीं मिलता था तो उनकी रेवेन्यू उसी स्टेट में रहती थी बेटा हाँ है ना इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा मैं बेटा अभी इतना एक काफी आपके लिए समझने के लिए बेटा तो जिन स्टेट का जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे उनका रेवेन्यू ज्यादा हुआ करता था बिफोर जीएसटी क्लियर और सर जीएसटी आने के बाद जिन स्टेट का कंज्यूमर बेस ज्यादा है बेटा जहां पे गुड्स सर्विसेज कंज्यूम ज्यादा होती है उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा बेटा क्योंकि जीएसटी जब डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स तो यार स्टेट गवर्नमेंट बोला जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट स्टेट्स थे उन्होंने बोला साहब हमको जीएसटी नहीं चाहिए वी डोंट केयर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट गया तेल लेने वाइट आर कोस्ट हम हमारी रेवेन्यू कम करके देश का भला का चाहे ना हो पाएगा हाँ देश का भला हम चाहेंगे पर हमारे रेवेन्यू कम करके नहीं हो पाएगा बात गलत भी नहीं है सर हाँ है ना क्लियर तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ने बोला हमसे ना हो पाएगा कंज्यूमर भी स्टेट बोलते नहीं ओके okay. आने तो इनकमिंग इज फ्री आउटगोइंग वैसे बंद है हमारी हाँ है ना सर तो सर इसीलिए आपकी बार सबको साथ लेके चलेंगे और बोला चिंता मत करो अच्छा जिनको फायदा हुआ तो रखो अपने पास कोई तकलीफ नहीं पर जिनको नुकसान हुआ उनको बोला तुम चिंता मत करो अगर तुम्हारा रेवेन्यू वेट की रेवेन्यू अगर होती तो कितनी होती और जीएसटी आने के बाद अगर तुमको लॉस हुआ है तो मैं बैठा हूं ना क्या बोला तो उसकी बेटनेस क्या होगा भाई बोला आप बैठे हो अग्रीड आप पे विश्वास है तो पैसा पैसा चलता है सब रेवेन्यू कहां से आएगा से आप सीजीएसटी की रेवेन्यू निकालोगी क्या बेटा तो मोदी जी बोला सेंट्रल गवर्नमेंट बोला नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो हम थोड़ी कम करेंगे तो फिर हमारा जो लॉस हो रहा है वो कहां से कवर करोगे आप बोले देश में से कई सारे लोग हैं जो मर मिटने के लिए तैयार हैं देश को बचाने के लिए उनसे हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेंगे और वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको कंपनसेट करके दे देंगे सर आपका जो लोस हो रहा है उसको कंपनसेट कर देंगे उस रेवेन्यू से बोला क्या होगा वो जैसा पीता ना बेटा सिगरेट तमाऊ खाते बेटा है ना बेटा गांजा है ना वो, वो वाली पाउडर नहीं नहीं बेटा ये तो आप थोड़ा अपर लेवल पे चले गए बेटा फाउंडेशन लेवल की बात कर हैं फन <laughs> तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या ये जो टॉबेको बेस्ड गुड्स खाते बेटा तम्बाकू सिगरेट वगैरह पीता तो ना बेटा आप ना बेटा क्लियर पीती नहीं है ये तो बेटा पिज्जा पे आपने देखा ओरिगेनो बेटा तो सिगरेट खरीदती बेटा पिज्जा पे और डाल के क्लियर <laughs> स्मोकी पिज्जा सर सुना अब पॉइंट यह है कि टोबेको बेस्ड गुड्स पान मसाला गुट का सर कार इन पे गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जिसका नाम रखा क्या जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 अलग एक्ट बना दिया जीएसटी कंपनसेशन सेस चार्ज कर दिया कुछ सेलेक्टेड गुड्स पे बेटा आपकी नॉलेज के लिए मैंने नाम बताया बेटा ताकि आपको ध्यान रहे खरीदते वक्त सर <laughs> कि आप जो एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो ये उस फंड में जा रहा है मतलब तम्बाकू पता है क्या होता है जीएसटी तो लगता ही लगता है बेटा ओवर एंड अबाउट द जीएसटी सेस अलग से चार्ज होता है जीएसटी कंपनसेशन वो सेस का अलग एक अकाउंट बनाया हुआ गवर्नमेंट ने और वो अकाउंट पता है क्या कमाएगा इयर एंड पे गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी हर स्टेट गवर्नमेंट कि अगर वेट होता तो तुम्हारी रेवेन्यू कितनी होती जीएसटी आने के बाद तुम्हें वेट का तुम्हें रेवेन्यू कितना लॉस हो रहा है अगर लॉस हो रहा है जितना लॉस रहा है आपको अमाउंट फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके लिए एक अलग एक्ट बना दिया उसका नाम क्या रखा जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट ये एक एक अलग से बना दिया अल्टीमेटली थर्टी फाइव एक्ट बन गए टू इंप्लीमेंट द जीएसटी

सेस आपके कोर्स में नहीं आता थोड़ा सा था मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया बेटा आपको आई जी एस टी के कुछ सेलेक्टेड सेक्शन आपके कोर्स में आता है बेटा क्लियर समझे मेरी बात वैसे देखा जाए तो आपने सी जी एस टी एक पढ़ लिया मतलब हर स्टेट का एस जी एस टी एक पढ़ लिया आपने अच्छा यू टी यू टी जी एस टी एक में कोई अलग बात नहीं उसने लिखा है कि विद इन द यूनियन टेरेटरी अगर सेल करोगे तो यूटी जी एस टी भी लगेगा हाँ है ना बाकी सारे सेक्शन सी जी एस टी के वहाँ लगते हैं बेटा आई जी एस टीम पढ़ लेंगे जो जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वो पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फाइनल लेवल पर आपके आएंगे बेटा ठीक है और जीएसटी कंपनीशन से इसका थोड़ा दे आपको दे दिया बच्चा है हाँ ना भाई अगर हमने इतना पढ़ लिया मतलब हमारा सिलेबस पूरा कवर हो गया और जीएसटी आपको आ जाएगा बच्चों ठीक है आपको शायद जितना मैंने समझाया पॉइंट आई होप जीएसटी समझ में आया, आया बेटा आपको थैंक <laughs> यू uh, आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी दिया है कि किस तरह से जीएसटी आया क्या लकुना था क्या क्या बेनिफिट्स हुई जीएसटी आने के बाद कैसे जीएसटी ऑपरेट होता है जीएसटी काउंसिल क्या होता है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट क्या होता है कैसे रेवेन्यू फ्लो होती है क्लियर कैसे आईटीसी मिलता है दस सा क्रेडिट क्यों मिला क्रेडिट अवेल करना क्रेडिट यूज करना कैसे रेवेन्यू फ्लो होती है आई होप पूरा समझ में आया बेटा आपको अरे क्लियर तो मैंने आपको आइडिया दिया, दिया जीएसटी का नेक्स्ट सेशन से हम जीएसटी एक्चुअली पढ़ेंगे क्लियर ओके तो अभी आपको फिलहाल बुक्स जो आप लेंगे उसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ठीक है बुक से आपको आज कुछ भी नहीं पढ़ना बेटा जो मैंने नोट्स आपको लिखवाया है ठीक है इसका पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो अपना आयकत्तम अकेडमी का बना हुआ है बेटा ठीक है वहां से आप ले सकते हो गूगल ड्राइव पे जो है बेटा और जो बच्चों ने गूगल ड्राइव लिया है उनके गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा नोट्स पी फॉर्म में तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको जरूर नोटबुक में लिखिएगा आप अगर वही रहने दिया तो आपको पता है मोबाइल ऑन करते ही बेटा दिमाग दस बार चला था आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पर इधर उधर ठीक है टाइम पास हो जाएगा इसलिए आपको नोटबुक में नोट करने हैं नोट्स सो आपका टाइम यहां बचे और आपको समझ में आई होप गॉट एंटायर पॉइंट बेटा ओके डन चलिए सरकार थैंक यू सो मच मिलते हैं कल एंड सर यहां तक जो पढ़ाया है उसको एक बार भले ही आपको दस मिनट ही लगे जितना भी टाइम लगे उतना आप एक बार आपके एंड पर पड़ेगा मैंने आपसे फर्स्ट प्रोमिस बेटा बाकी सब काम मेरा है बेटा ओके थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे माहौल जबरदस्त शानदार थैंक यू बाय